पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नालंदा में जेडीयू नेता के द्वारा पुलिस को हड़काने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 11 जून की रात्रि 9:15 बजे का है। जेडीयू नेता वर्तमान में नालंदा के व्यवसायिक उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विजय कांत है। वायरल वीडियो 5 मिनट का है, जिसमें जेडीयू नेता कह रहे हैं कि उनसे बड़ा गुंडा इस शहर में कोई नहीं है। इतना ही नहीं, वह पुलिस को यह निर्देश भी दे रहे हैं कि जो उनके सामने बोल रहा है उसे पकड़कर थाने ले जाएं। इतना ही नहीं, जब पुलिस जांच कर रही होती है तो उसी क्रम में विजय कांत पुलिस पर अपना पावर का रौब दिखाते हैं। जब महिला कांस्टेबल विजय कांत को शांत रहने के लिए कहती हैं, तो विजय कांत पुलिस को यह कहते हुए दिख रहे हैं कि हमको आप पहचानते हैं क्या, डायरेक्ट सीएम हैं हम, यह मानकर चलिए आप। इसके बाद विजय कांत अपने ऊपर वाले पॉकेट के आय कार्ड निकालकर महिला कांस्टेबल को दिखाते हैं। महिला कांस्टेबल उनसे आराम से बात करने की अनुरोध करती है। दरअसल लहेरी थाना क्षेत्र के आलमगंज मोहल्ले में पैतृक जमीन पर दुकान बनी हुई है। विजय कांत और शिवेंद्र कुमार दोनों भाइयों की आमने सामने ही कपड़े की दुकान है, जिसके मुख्य रास्ते पर ताला लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए लहेरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। जदयू नेता विजय कांत ने अपने भाई शिवेंद्र कुमार और भतीजे निखिल नवादिया पर बिहार थाना में 8 जून को मारपीट एवं कट्टा से गोली चलाने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराया है, जबकि शिवेंद्र कुमार की पत्नी मीनाक्षी नवदिया ने लहेरी थाना में 8 जून को विजय कांत और शुभम कुमार समेत 4 अन्य को आरोपित कर घर में घुसकर मारपीट का मामला दर्ज कराया है। संपत्ति को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा है। जदयू नेता ने वायरल वीडियो के संदर्भ में कहा है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि वो पूरे बिहार सीएम है, मैं भी नीतीश कुमार का यह डायलॉग कह रहा था। हम लोग इसी पर काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री जी का डिजिटल कैंपेन चलाते हैं, आईटी सेल का मैं संयोजक हूं। मुख्यमंत्री जी का भी हाल फिलहाल में यह नारा आया था कि मैं भी नीतीश कुमार हूं, पूरे बिहार का आदमी नीतीश कुमार है और सीएम का पावर रखता है। बिहार की कोई भी जनता हो वह सीएम है यहाँ के। मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार को अपना परिवार मान लिए हैं, पूरा बिहार उनके लिए काम कर रहा है और अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहा है। मैं भी अपने आप को नीतीश कुमार मानता हूँ और मैं सिर्फ नीतीश कुमार के लिए काम करता हूँ, यह कोई महत्व नहीं रखता है। मुख्यमंत्री जी भी उस चीज को देखे हैं, वो बहुत खुश है। मैं एनडीए गठबंधन पूरे बिहार प्रदेश का संयोजक हूँ, एनडीए गठबंधन चुनाव अभियान समिति का ऑल इंडिया मेंबर हूँ, जदयू व्यवसायिक और उद्योग प्रकोष्ठ नालंदा का जिला अध्यक्ष, सीएम बिहार डिजिटल कैंपेन का बिहार प्रदेश का संयोजक भी हूँ, जदयू आईटी सेल सोशल मीडिया का मैं संयोजक हूँ। मुख्यमंत्री जी के भी भगना मनीष जी देखते हैं, बहुत ज्यादा पोस्ट है कि हम लोगों के पास, लेकिन हम लोग सिर्फ मुख्यमंत्री जी का काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने जनता दरबार भी लगाया था और जो समस्याएं जनता दरबार में आई थी उसको डायरेक्ट मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया था और काम करवाया था। मैं फ्री में काम करता हूँ, आज तक 1 रुपया किसी से न लिया और न दिया हूँ, और यह बात सीएम साहब भी खुद जानते हैं। सीएम साहब ने खुद कहा था, अगर आप पेशेवर हैं और खुद काम करना चाहते हैं तो कितना रुपया लीजिएगा, मैंने कहा था कि 1 रुपया नहीं लूंगा और मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ आज तक। अभी मैं एक कैंपेनिंग 1 जुलाई से चलाने वाला हूँ, जिसमें नालंदा के हर विधानसभा से 4 लोगों को मैंने चुना है और उन 4 लोगों का स्टेटमेंट लूंगा और उनमें से एक को सेलेक्ट करूंगा कि किसे
टिकट देना चाहिए और नालंदा विधानसभा क्षेत्र से श्रवण कुमार और अन्य लोगों को सिलेक्ट करके उन्हें क्षेत्र के 100 आदमियों पर डे स्टेटमेंट लूंगा और उसमें 70 आदमी श्रवण जी के पक्ष में बोलेंगे तो मैं रिपोर्टिंग करूंगा कि 70% जनता उनके पक्ष में है। फिलहाल जदयू नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नालंदा से आशीष कुमार की रिपोर्ट।